तो रियलमी का नया स्मार्टफोन है रियलमी 5i हो चुका है पूरी तरीके से ऑफिशियल, क्योंकि आपकी लॉन्च डेट, स्पेसिफिकेशन, फर्स्ट लुक सब कुछ निकल कर आ चुका है। तो बिल्कुल ध्यान से एंड तक देखते रहना, आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाले स्मार्टफोन के बारे में इसी एक ही वीडियो के अंदर। खैर यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि रियलमी 5i आपका सक्सेसर है रियलमी 3i का, जो कि आपका इंडिया में कुछ महीनों पहले लॉन्च करा गया था। और फिलहाल की बात कर ली जाए तो रियलमी 5i के स्टॉक्स को कंपनी वैसे भी खाली कर रही है, आपको सेल्स में 7,000 रुपए में निकाल देती है। बट यहाँ पर बात कर जाए अपग्रेड्स के रियलमी 3i से रियलमी 5i के अंदर, तो आपको काफी बेहतरीन देखने को मिले हैं, क्योंकि क्वाड रियर कैमराज है, बड़ी बैटरी है, लुक्स वगैरह बेहतरीन देखने को मिलते हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो रियलमी 5i स्मार्टफोन है ये आपका सस्ता रहने वाला है रियलमी 5 और रियलमी 5s से भी। और रियलमी 5s के आपके प्राइसिंग पता 10,000 रुपए रखी गई इंडिया के अंदर, और रियलमी 5 को सेल के अंदर 8,000 रुपए में देखने को मिल जाता है। वैसे ऑफिशियल प्राइसिंग उसकी 9,000 रुपए है। तो क्योंकि यहाँ पर प्राइसिंग कम रहने वाले दोनों स्मार्टफोन से भी, तो यहाँ पर आपके कुछ डाउनग्रेड्स कर गए हैं स्पेसिफिकेशंस के अंदर। जैसे कि आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी से डाउनग्रेड कर 8 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कि बुरा नहीं है क्योंकि आपकी प्राइसिंग कम रहने वाली है और बाकी स्पेसिफिकेशन बेहतरीन देखने को मिलते हैं। खैर आपका 6.5 इंच की डिस्प्ले बताई गई देखने को मिलती है HD+ रेजोल्यूशन के साथ। बात कर रियर कैमरास की, तो प्राइमरी सेंसर के अंदर देखने को मिलता है F1.8 का अपर्चर, 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। सेकेंडली देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, तीसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, और चौथा आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। बट आपके पर बेहतरीन बात यह है कि बैटरी के अंदर बताया गया कोई भी डाउनग्रेड देखने को नहीं मिला है, यानी बताया जा रहा है कि 5000 mAh देखने को मिलती है फोन के अंदर। वैसे यहाँ पर आपको बता दूं माइक्रो एसबी देखने को मिलेगा और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं होगा इसके अंदर भी। इसके अलावा फोन के अंदर सारी नॉर्मल चीज देखने को मिल जाएंगी, जैसे डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट, डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट, सारे नेसेसरी सेंसर्स वगैरह। और यहाँ पर बात की जाए मेन डिपार्टमेंट हार्डवेयर की, तो आपको बताया तो ये जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 65 ही देखने को मिलेगा रियलमी 5i के अंदर भी, बट मेरे अकॉर्डिंग आपका हिलो P70 या फिर P65 देखने को मिलेगा इसके अंदर, जो मीटा के प्रोसेसर यहाँ पर कंपनी को सस्ते पड़ते हैं। और स्पेशली आपका इंडियन वेरिएंट के अंदर ये चीज पॉसिबल है। और बात कर जाए इंडिया के अंदर कलर वेरिएंट्स में आपको कुछ वाइब्रेंट देखने को मिलेंगे रियलमी 3i जैसे, यहाँ पर कम से कम लुक्स के अंदर कुछ चीज को तो अलग करना ही पड़ेगा ताकि हाथ में लगकर कम से कम ये तो बताया जा सके कौन सा फोन रियलमी 5i और कौन सा रियलमी 5i। वैसे यहाँ पर आपको बता दो वियतनाम के अंदर आपका ग्लोबल लॉन्च होने जा रहा है 6 जनवरी को, और आपका इंडिया के अंदर भी जनवरी के एंड तक या फिर फरवरी के बीच में देखने को मिल जाएगा। और इसकी प्राइसिंग आपके 8,000 रुपए के अंदर ही रहने वाली है। और एक बात आपकी तय है कि शाओमी ले लो, ऑनर ले लो, सैमसंग ले लो, किसी भी कंपनी के स्मार्टफोन से इस रेंज के अंदर ये फोन आपका किलर रहने वाला है कम से कम हार्डवेयर के मामले में। तो वैसे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना आप कि आपको कैसे लगे हैं स्पेसिफिकेशन प्राइसिंग को देखते हुए, और आप वेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो इंडिया के अंदर और कितनी प्राइसिंग चाहते हो। साथ ही यहाँ पर नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही यहाँ पर लाइक जरूर कर देना, ऐसे बिना भूले आपका लाइक शेयर करने से वीडियो बनाने की मेहनत सफल हो जाती है। इसके अलावा बाकी चैनल पर जाकर देखो, लाइक कर देना, दबा दो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।